हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 की लास्ट ईयर की और इस साल फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग होगा आफ्टर रिजल्ट, ठीक है। तो उसमें कितने स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट किया जाएगा, कितने स्टूडेंट्स का लिस्ट है वो जारी होगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का लिस्ट है वो जारी नहीं होगा, जिसमें जो स्टूडेंट जितना सीट है उनका 4 इंटू उतने ही स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में जो है उनका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद में यदि फिर भी कोई सीट वेकेंट रहता है तो आपका सेकंड लिस्ट है वो जारी होगा, और उसके बाद में आपका लास्ट ईयर जैसे बात की जाए तो वहाँ पे आपका स्टे वैकेंसी राउंड एंड ओपन राउंड भी हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे राउंड वाइज काउंसलिंग होगा, तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी, चैनल पर आप बने रहिए। लेकिन अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कितने स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट किया जाएगा और कितने रैंक तक, कैटेगरी वाइज हम बात करने वाले हैं। जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, SC एंड ST, कितनी कैटेगरी, तो PWD की भी हम बात करेंगे, कितनी रैंक तक आपको जो है फर्स्ट राउंड में नाम आ सकता है, ठीक है। और लास्ट ईयर कितनी जो है नंबर तक आपका जो है, कितनी रैंक तक जो आपका नाम आया था, पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आया है या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी ऑफिशियल अपडेट है, जितनी भी आपकी डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, वो जल्दी से आपकी सॉल्व हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम आपको PDF फॉर्म में आपको समझा देते हैं कि इस तरह से इस कैटेगरी रैंक का हुआ, उसके बाद में आपको लाइव जो है डाटा लास्ट ईयर की लिस्ट है वो आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं लास्ट ईयर की हम बात करें तो लास्ट ईयर आपका टोटल स्टूडेंट जो था वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2000 के अप्रोक्स जो है 2291 स्टूडेंट है उनको पार्टिसिपेट, उनका नाम है वो फर्स्ट काउंसलिंग में आया था, ठीक है, 2291, ठीक है। अब वहाँ पर रैंक की बात करें कि फर्स्ट राउंड में कितने रैंक वालों को जो है पार्टिसिपेट किए थे, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। तो जनरल एंड UR कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पर आप रैंक देख सकते हो, यहाँ पे 1335 रैंक वालों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट किए गए थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें OBC कैटेगरी की, EWS कैटेगरी की, EWS में यदि बात करोगे तो यहाँ पे 3041 रैंक तक जो है BSc नर्सिंग के फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। OBC कैटेगरी की हम इस तरह से बात करें, आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन हम लाइव आपको जो है लिस्ट दिखा देंगे, हालांकि वो लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे OBC की हम बात करें तो 1159 जो है आपको रैंक तक जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे स्टूडेंट। ST कैटेगरी की हम बात करें तो ST कैटेगरी में 7674 जिनकी रैंक थी ऑल इंडिया, उनको पार्टिसिपेट किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आपका SC कैटेगरी में, तो SC कैटेगरी में आप यहाँ पे देख सकते हो 4000 रैंक तक जो है उनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया गया था। फिर इसी तरह से आप PWD की बात करें तो यहाँ पे 6640, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस तरह से हमने समझा दिया। अब हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं उस PDF में जो 2021 की PDF है, ठीक है। तो उससे आपको एक आइडिया हो सकता है कि आपका यदि इतना रैंक आया तो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप करने वाले हैं, ओके। ये वो लिस्ट है, आप देख सकते हो कि 2021 की ये लिस्ट है, जहाँ पे एम्स की ऑफिशियल साइट पे लास्ट ईयर की डेट को लास्ट ईयर जारी किया गया था, ठीक है। जहाँ पे लास्ट ईयर की एग्ज़ाम की बात करें तो 28 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम था, तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है लिस्ट यहाँ पे जारी की गई थी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो टोटल स्टूडेंट्स का यहाँ पे देखो रैंक दे रखा है, और रोल नंबर भी यहाँ पे आपका दे रखा है, रैंक, रोल नंबर, आपका कैटेगरी यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। यदि आप PWD से हो तो PWD आपको इधर दिया होता है, ठीक है। तो अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे कि कैटेगरी वाइज हम देखने वाले हैं कि कितने रैंक तक जो है लास्ट स्टूडेंट को पार्टिसिपेट इस जो है काउंसलिंग में किया गया था, ठीक है। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट जो रैंक है, ठीक है, एक बार यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे जो SC कैटेगरी की बात की गई है, PWD जो, जहाँ SC कैटेगरी से PWD से बिलोंग करता है, तो 7938 रैंक वालों को यहाँ पे शामिल किया गया, ठीक है। वहीं आप ST कैटेगरी वालों के लिए बात करोगे तो लास्ट एक ST 7957 रैंक वालों को यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। उसी तरह से हम बात करें OBC कैटेगरी से यदि बिलोंग करते हो और यदि PWD से हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि 7595 रैंक वालों को भी लिया गया है। उसी तरह से यदि SC कैटेगरी से हो, PWD से हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7522 रैंक वालों को भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो OBC की, इस तरह से हम बात करें ST कैटेगरी वाले को देखा, उसके बाद हम जो है आप देखने को मिल जाएगा EWS कैटेगरी एंड SC कैटेगरी, जहाँ पे आप जनरल की बात करो तो PWD में जनरल में 5348 वाले स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट किया गया है। और उसी के साथ आप बात करेंगे SC कैटेगरी की, SC कैटेगरी में कितना रैंक है वालों को यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए
तो यहाँ पे 3,986 वाले स्टूडेंट्स को जो रैंक है ऑल इंडिया, उनको इस फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया गया है, ठीक है। और तो इस तरह से हम बात करेंगे EWS कैटेगरी में, यदि EWS कैटेगरी आपका कितना होना चाहिए जिससे कि आपको फर्स्ट राउंड कैटेगरी में, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ जाए, ठीक है। तो ये लिस्ट है हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप EWS की देख सकते हो, 3,041 के अप्रोक्स यहाँ पे जो रैंक है उनको सीट है वो वहाँ पे मिला है, ठीक है, EWS की आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे OBC कैटेगरी से यदि आप हो तो कितने रैंक वालों को यहाँ पे शामिल किया गया है, ठीक है। तो यदि आप EWS से हो तो OBC PWD वालों को तो बहुत कम रैंक पे, ठीक है, जैसे आप स्क्रॉल करोगे इस लिस्ट है वो आपको पता लग जाएगा। तो OBC की मतलब आपको यदि आपका रैंक है वो 1200-1100 होगा तो ही आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। देख सकते हो यहाँ पे OBC की, तो OBC की लिस्ट में यहाँ पे आया है नाम 1658 पे, ठीक है, तो 1658 पे यहाँ पे आपका दिया गया है, ओके। और इसी तरह से हम बात करें आपका जनरल कैटेगरी से, UR कैटेगरी से, तो UR कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो और यदि आप PWD में नहीं हो तो आपको कितना रैंक है वो रिक्वायर्ड होगा जो कि आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1337 यदि आपका जो है रैंक है तो आप यहाँ पे फर्स्ट राउंड में आपका नाम आ जाएगा, ओके। तो आज इस वीडियो में इतना ही, आप एक अनुमान लगा सकते हो कि इतना रैंक यदि आपका आएगा तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पे आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नाम आ जाएगा, ठीक है। और यदि सीट इंक्रीज हुआ है तो आप इससे ज़्यादा रैंक में भी आपको शामिल किया जाएगा, जहाँ पे 2271 कुछ स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नाम आया, ठीक है। और इसके बाद भी यदि कुछ सीट वेकेंट रहता है तो आपका सेकेंड राउंड होता है जिसमें आपका लिस्ट फिर से जारी किया जाता है, ठीक है। तो 2291 स्टूडेंट्स का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है, उसके बाद में सेकेंड, उसके बाद में और भी राउंड्स होते हैं जब सीट वेकेंट होगी तो, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जितना भी ऑफिशियल अपडेट हो या जितना भी आपकी प्रॉब्लम्स हो उसके वीडियोस आपको मिलते रहे। तो थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।